परिवार बेपरवाह है, इन्होंने चुनावी फॉर्म से केस लिया, क्या कहें? हर जो परत पर परत करते खुल रही है, लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और जिस तरह के काम सरकार में हुए हैं, कहीं पे सड़क धस रही है, कहीं पे पूरे किसानों की जो मवेशी है, जो आवारा पशु है, फसल चर दे रहे हैं, जहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो लोग आक्रोशित है। और अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए बिना किसी पक्षपात के, तो भाजपा पूरी तरह हारने वाला है। अमित शाह जी कह रहे हैं पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, वहाँ के हिंदू भाई हूँ या मुस्लिम हूँ, सब हमारे हैं। मैं समझती हूँ कि जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरह की बातें हमेशा होती रही है, खाली उनका ढंग बदल जाता है। तो ये चुनावों को एक तरह से मोड़ने का और लोगों के जो मन है उसपे एक तरह से वहम डालने का इरादा रखते हुए इन ये सब बातें बोली जा रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि आम जनता परेशान है, चाहे वह महंगाई हो, चाहे वह महिला सुरक्षा हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। अमित शाह कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बोर्ड से मुझे 600 करोड़ मिले हैं, दूसरे को 1400 करोड़ मिले, तो मुझे क्या दिक्कत? मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि कल को भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी कोड देंगे, तब एकदम क्लियर पिक्चर आएगी कि क्या हुआ है। एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह से GST लाया गया, वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई, तो हम देख रहे हैं कि GST में जो वन नेशन वन टैक्स की बात कही थी, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि एक तरह का टैक्स हर चीजों पर लगा है। बहुत ही मल्टी लेयर तरीके से जो बात कही जाती है वो होती नहीं है, मल्टी लेयर तरीके से बाद में यह चीजें की जाती है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई तथ्य हो। सीए कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट में, असदुद्दीन की पार्टी है ये उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने आ रही है, और मैंने पहले भी कहा है अगर ये बाकी में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का बेहतर हो, खुशहाली आए, तो इनको 24/7 उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए, खाली चुनावों के वक्त इस तरह से निकल के आना, तो मैं समझती हूँ एक शंका का विषय है। कांग्रेस की मांग है कि भाजपा के खाते जो सीज किए जाए इलेक्ट्रल बोर्ड से, कांग्रेस के खुद के खाते सील हुए हैं, अब इस तरह की बात निकल के आ रही है तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट से लड़ने का गठबंधन में शामिल होने की बात की थी, लेकिन अखिलेश जी ने नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण को इन्वाइट किया था गठबंधन में लेने के लिए, बुला के, लेकिन वो नगीना ने दूसरा राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, तो जब जी आएंगे तब आपको चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसको लेकर के सबसे बॉन्डों में अगर कोई पार्टी सबसे नीचे या कहीं दिखाई नहीं दे रही है, समाजवादी पार्टी है, और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो लगातार बेहतर हो रही है, और जनता इस बात को समझ रही है कि समाजवादी पार्टी खाली एक ऐसी सरकार थी जिसने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है, जिसने युवाओं को रोजगार दिया है, जिसने महिलाओं के ऊपर काम किया है लगातार, और जिसने किसानों के लिए भी काम किया है। तो मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वही है। बीजेपी ने यासीन मलिक की पार्टी को 5 साल के लिए सस्पेंड किया। सांसद जी चुनाव आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ सभाओं कर रहे हैं, जिले जिले में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, क्या लगता है कहीं घबराई हुई है बीजेपी पार्टी समाजवादी पार्टी के चुनाव को जो दौरा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री निष्पक्ष चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है और क्या लगता है कि निष्पक्ष चुनाव किस बार लोकसभा में देखने को मिलेगा? कई बार आपने आरोप लगाया एजेंसियों का दुरुपयोग, तो ऐसे में क्या तैयारी है? ये तो जग जाहिर बात है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सभी एजेंसियां नतमस्तक है केंद्र के प्रति, और जो केंद्र से निर्देश मिलता है एजेंसियां उसी तरह चलती है, और यह बात इलेक्शन कमीशन जो चूज कर रहे हैं वो खुद प्रधानमंत्री जी और उनके द्वारा कैबिनेट के मंत्री और एक ऑपोजिशन लीडर, तो एक 2:1 का जो रेशियो है ये अपने आप में जाहिर करता है कि चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा।